तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं था स्मैकडाउन का एपिसोड, और गाइस इस एपिसोड में हमें रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में पता चल चुका है। उसके अलावा क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, उन सभी के बारे में करेंगे इस वीडियो में बात। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस शो की स्टार्टिंग करते हैं जे उसो, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर कर रोमन रेंस को बुलाते हैं। और गाइस यहाँ पर उन्हीं पर मुसीबत टूट जाती है क्योंकि यहाँ पर जो टीम रॉ की तरफ से हमें क्लीन स्वीप देखने को मिला था अगेंस्ट टीम स्मैकडाउन, उसका पूरा जिम्मेदार रोमन रेंस जे उसो को ठहराते हैं और कहते हैं कि तू उस टीम में था फिर भी वो टीम हार गई, आखिर ये हुआ कैसे। उसके बाद जे उसो कहते कि मेरे कोई सुन ही नहीं रहा था, और रोमन रेंस कहते कि अगर तेरी कोई नहीं सुनेगा तो इसका मतलब मेरी भी कोई नहीं सुनेगा, और ये तेरे डिसरिस्पेक्ट यानी कि मेरी भी डिसरिस्पेक्ट और हमारी फैमिली की भी डिसरिस्पेक्ट है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं रोमन रेंस, और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, और जे उसो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गाइस उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। जिसके बाद बैक स्टेज जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर ओटिस अपनी एंट्रेंस कर अपने मैच के लिए आते हैं, लेकिन गाइस तभी पीछे जाकर उन पर स्टील चेयर से जे उसो अटैक कर देते हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच एक टैग टीम मैच, और गाइस ये मैच रिसेंट सा था। रिजल्ट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि मॉन्टेस वॉर्ड को रोल अप कर देते हैं रॉबर्ट रूड, और इस तरीके से अपनी टीम के लिए वो मैच जीत लेते हैं, और आगे हो सकता है आपको टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इनके बीच मैच देखने को मिल जाए। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है डैनियल ब्रायन और सैमी ज़ेन के बीच, और गाइस ये नॉन टाइटल मैच था, और गाइस इस मैच को देखकर मजा आ गया। दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, और रिजल्ट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि ये लड़ते लड़ते बैक से गोरिल्ला पोजीशन के पास जाते हैं, जहाँ पर सैमी ज़ेन भागकर रिंग की तरफ आ जाते हैं और काउंटर के जरिए वो इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि बैक से जे उसो अटैक कर रहे होते हैं डैनियल ब्रायन पर, फिर बचाने आते हैं उन्हें केविन ओवेंस, और गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों का मैच भी मेन इवेंट के लिए कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें एक और मैच देखने को मिलता है जो कि गाइस होता है बियंका ब्लेयर और नटालिया के बीच, और गाइस इस मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बेली रिंग साइड पर कमेंट्री कर रही थी, जिन्हें गलती से पंच मार देती है यहाँ पर बियंका ब्लेयर, जिसके बाद वो इंटरफेरेंस करने जाती है, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है और रोल अप कर बियंका ब्लेयर इस मैच को जीतती है। और गाइस आगे आपको हो सकता है बियंका ब्लेयर और बेली के बीच फ्यूड देखने को मिल जाए। उसके बाद गाइस में नेक्स्ट देखने को मिलता है मर्फी वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच, और गाइस इस मैच में रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, जिस वजह से मर्फी इस मैच को जीत लेते हैं। अब यहाँ पर रुकाने वाली बात यह है कि लास्ट वीक सेथ रॉलिंस को तो क्लीन हरा दिया, लेकिन यहाँ पर किंग कॉर्बिन को हराने के लिए मदद लेनी पड़ी, भले काफ़ी अजीब था लेकिन WWE में ऐसा होता ही रहता है। उसके बाद गाइस में मेन इवेंट में देखने को मिलता है जे उसो और केविन ओवेंस के बीच सिंगल्स मैच, और गाइस इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस पर स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं जे उसो, जिसके चलते गाइस ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए खत्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जे उसो अटैक कंटिन्यू लगते हैं, लेकिन केविन ओवेंस वापसी करते हुए उन्हीं पर स्टील चेयर से काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसके बाद वो रोमन रेंस को कहते हैं कि दम है तो बचा ले अपनी फैमिली मेम्बर को। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस बैक स्टेज से इस मैच को देख रहे होते हैं, और गाइस यहाँ से ये भी क्लियर हो चुका है कि आगे हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस और केविन ओवेंस के भी TLC मैच, और डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस का मैच मुझे लगता है कि हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा। और गाइस फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक आखिर केविन ओवेंस और रोमन रेंस के बीच क्या होता है। तो गाइस ओवरऑल पूरे शो की बात करें तो मेरे हिसाब से एक एवरेज सा शो था, ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसे ठीक ठाक सा शो कहेंगे। और गाइस यही था मेरा स्मैकडाउन का रिव्यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक के बना तो कहीं में जाना, और कमेंट करके आप मुझे अपनी रेटिंग जरूर बताइए स्मैकडाउन के इस एपिसोड के लिए। और गाइस साथ ही साथ आपका सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।